के जो बहुत लोग अपनी इनकम छुपाए रखते थे उन लोगों को एक मौका दिया गया है ताकि वो खुल के बारे इस करके स्टेट का रेवेन्यू बहुत बढ़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो काम करा है मैं समझता हूँ बहुत दिनों से लोग चाहते थे कि कुछ ऐसा स्लैब बने, जो नया स्लैब बना ये बहुत बढ़िया है, हर आदमी अपने आप को अपनी इनकम डिस्क्लोज करेगा। मेरे ख्याल में वो इनकम टैक्स पे ही एकदम 60-70% बढ़ जाएंगे। जो लोग पहले बड़ा जब स्लैब होता था तो उससे डरते थे, अब जो 15 लाख तक का जो 20% पे रखा है, 3% रख दिया, जैसे 3 से 7, 1 से 3 तक का उस पर 3%, 3 से 7 उस पर 5%, ये जो कराए 1 से 3 तक कोई टैक्स नहीं है, तो बहुत लोगों को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं समझता हूँ इनकम टैक्स वही है, वो ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा बढ़ेंगे। नंबर दो, दूसरा जो सर्विसेज के लोगों के लिए किया गया है, ये 50,000 से जो 75,000 कर दिया, उनको ये बहुत बड़ा फायदा होगा, वो भी उन्हें अपने आप को ज़्यादा नंबर निकल के आ जाएंगे, उससे भी ये मैं समझता हूँ डिपार्टमेंट को फायदा है। इसके बाद जो बच्चों के लिए लोन का करा है कि 3% तक उन पर जो बच्चा एजुकेशन के लिए लोन लेगा उसको 3% टैक्स देना पड़ेगा, इससे कम कहीं रिबेट मिल ही नहीं सकता था, ये सबसे बढ़िया पुश है जो बच्चों को बढ़ाने की बात है। और जो फर्स्ट जॉब जिन्हें मिलेगी उनको 15,000 रुपये का जो दिया जाएगा, साल में 3 अलग अलग 5-5 करके 15 साल 15,000 दिए जाएगा, ये भी मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया। और ख़ास करके जो कैंसर पेशेंट हैं उनके लिए जो दवाई इम्पोर्ट होती थी उस पर बहुत हैवी ड्यूटी लगती थी, उस पर जो ड्यूटी फ्री उसको बना के करा गया, ये आम आदमी के रीच की बात हो जाएगी। अब उन्हें बाहर नहीं भागना पड़ेगा अपने देश में, एक बेहतरीन इलाज कम पैसों में होगा। मैं ये सारी बातों से समझता हूँ कि आम जन के लिए बहुत बढ़िया बजट है, बहुत सोच समझ के इस बजट को पेश करा गया है, और इससे देश का GDP और देश का पर कैपिटा इनकम बहुत बढ़ेगा, सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा।